गॉड वर्सेस साइंस, क्या आपको भी लगता है कि दोनों अलग अलग हैं? तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, स्किप मत करना। आइए चलते हैं, समझते हैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा। मोबाइल फोन्स तो सभी यूज़ करते ही होंगे। ये मोबाइल फोन्स हमारे किसी न किसी फैक्ट्री में बने हुए हैं और इन फैक्ट्रियों को इंसान चलाते हैं। इंसान की उत्पत्ति इस धरती पर हुई है और धरती की उत्पत्ति हमारे सोलर सिस्टम से हुई है। सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है गैलेक्सी में और ये गैलेक्सी शुरुआती हाइड्रोजन के एटम से बनी हुई है, जिनकी उत्पत्ति उन पार्टिकल से हुई है जो बिग बैंग से निकले हुए थे। मतलब कि बिग बैंग से पहले ना तो हम एग्जिस्ट करते थे, ना ही टाइम एग्जिस्ट करता था और ना ही हमारा ये स्पेस और ना ही कोई मैटर एग्जिस्ट करता था। यहीं पर निकल के आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये बिग बैंग क्यों हुआ और ये बिग बैंग कैसे हुआ। तो यहाँ पर एंट्री होती है गॉड की, जिसको हमारा साइंस नहीं मानता है, क्योंकि साइंस डील करता है ओनली फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा कि आत्मा को साइंस हमारा मेजर नहीं करता है। स्पिरिचुअलिटी, जिसमें आप नॉन फिजिकल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, जिसमें हम गॉड और सोल को भी कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, साइंस और गॉड दोनों ही अलग अलग फिनोमिना हैं और कहीं ना कहीं दोनों एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ पर हमारे साइंस की लिमिटेशंस ख़त्म होती है, वहाँ पर एंट्री होती है हमारे गॉड की। और एक साइंटिस्ट भी एट द एंड ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो ही जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस और गॉड दोनों ही इस स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, बस दोनों का फिनोमिना अलग अलग है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही फैक्ट के साथ में।